बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आजकल आप अपने घरों में बाहर हर जगह सुन रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 80-85% डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो यही बात सुनकर परेशान है कि आखिर कोरोना क्या चीज़ है। और हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि कोरोना है क्या। तो दोस्तों, अपने माइंड को तब्दील करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप मेंटली तौर पर रिलैक्स रह सकें। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये आम लफ्ज़ नहीं है, तो इससे दूर रहिए, बचिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। अगर आप लोग समझते हैं कि हम घर में हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपके पास ये गोल्डन चांस है कि आप अपने माँ बाप के पास बैठे हुए हैं। आपको ख्याल आना चाहिए कि आपके पास एक बूढ़े दरख्त का साया है जो आपको साया दे रहा है, और वो दुनिया के आने वाले हर मामलात से आपको आगाह कर रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम अपनी फैमिली के साथ रह के बहुत अच्छा वक्त स्पेंड कर सकते हैं, दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, लोग कहते हैं कि जी हम खेल खेल कर भी थक गए हैं, घर में परेशान हैं, तो इसके लिए सबसे अहम ये है कि दोस्तों आप अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढें। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। अब लॉकडाउन के दौरान ये देखने में आ रहा है कि जो दोस्त हैं या मर्द हजरात हैं वो कुकिंग की तरफ चले गए हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड है। वो ये देख सकते हैं कि घर में एक औरत रहकर किस तरह अपना वक्त स्पेंड करती है, किस तरह घर वालों को संभालती है। तीसरा, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमें बाहर कंबाइंड स्टडीज के लिए जाना, तो ये दोस्तों अगर ज़िंदगी है तो ही हम हैं, और इसको महफूज हम तभी रख सकते हैं अगर हम घर पर हैं। तो सामाजिक दूरी रखते हुए आप अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल भी रखें, और ये ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को आप अपने पास समेट कर रखें। ये बहुत बेस्ट मौका है आप लोगों के लिए। चौथा ये कि आपके पास अब जो बहुत खूबसूरत तोहफा अल्लाह ताला ने दिया है वो है रमज़ानुल मुबारक, जिसमें आप घर में रहकर अपने अल्लाह के हजूर गुनाहों की माफ़ियाँ मांग सकते हैं, बीमारियों से निजात मांग सकते हैं, और अपनी हर मुश्किल की आसानी मांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही आसानी का बाइस है कि आप मुश्किल वक्त में अपना वक्त अल्लाह के साथ गुजार सकते हैं। आप अपना कीमती वक्त तस्बीहात में, अल्लाह के ज़िक्र में, कुरान पाक पढ़ने में, रोज़ा करने में, नमाज पढ़ने में गुजार सकते हैं। अपने घरों को मस्जिद बनाइए, अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें, बजाय इसके कि हम मोबाइल पर बैठकर ज़्यादा वक्त टिकटॉक खेलें या कोई और ऐप को यूज़ करें। तो इससे बेहतर है कि हम अपने घर वालों के लिए एक कीमती लम्हात खुशियों भरे वक्त गुजारें, ताकि हम हर किसी की ज़रूरत को समझ सकें, अपने आप को रिलैक्स रखें, सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इस तरह छोटी छोटी लाइफ की एक्टिविटीज़ को आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएं और परेशानी में चले जाएं। डिप्रेशन की बीमारी आम नहीं है, इसकी बीमारी आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है, और ये इलाज आपकी ज़िंदगी के साथ इसकी गोलियाँ चलती रहती हैं। हम बज़ाहिर तो गोली खा के नींद को पूरा कर लेती हैं, लेकिन इसके बरक्स हमारे जो जिगर, गुर्दों और दिल को बुरे असरात मरतब होती हैं, वो हमारे लिए बहुत बैड कंडीशन है। यहाँ तक कि अब औरतों ने इतना बेपर्दा होना शुरू हो गए थे कि अल्लाह ताला ने लोगों को पर्दे में करना शुरू कर दिया। नकाब करें, मास्क पहने, पूरा लिबास पहने, ये एक बीमारी ने आपको दोबारा एक मजहबी तरफ ले जाना शुरू कर दिया, जो हम अपनी दुनिया में बहुत आगे निकल चुके थे। तो ये बीमारी हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है कि हमारे अपने क्या हैं, हमारा लिबास क्या है, हमारा दीन क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, क्योंकि हमारा कुरान बताता है सफाई नफ्स ईमान है। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि हम सबको इस पर अमल पैरा होना चाहिए, और हमें अपने अल्लाह के हजूर माफ़ियाँ मांग कर ये करना चाहिए कि हम अपने मुल्क को बहाल होने की दुआ करें, ताकि छोटे कारोबारी तबके, गरीब लोग जो माशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं, हम बजाय उसकी मदद करें, मदद करना भी बहुत अच्छी बात है, वो खुद कमा कर खाएं, क्योंकि कुछ लोग किसी से लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इतने गैरतमंद होते हैं।
तो बेहतर है कि अल्लाह ताला हर किसी को उसके रोजे पर जाने की तौफीक अता फरमाए, अपने हाथों से खाने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा, लास्ट में मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने माँ बाप के साथ कीमती वक्त गुजारें, ये अल्लाह ताला के बहुत अनमोल तोहफे होते हैं। इनकी बातें, इनका उठना बैठना, इनका हंसना, ये चीज़ आपके लिए घर में रहकर लॉकडाउन में बहुत अहमियत रखती है। बाकायदा तो ये आम ज़िंदगी में भी हमारे लिए इनके अल्फाज बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन अब जिस वक्त हम इकट्ठे हुए हैं, बजाय इसके कि हमारे घरेलू तनाज़ात बढ़ें, लड़ाई झगड़े बढ़ें, इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ हंसना सीख लें। जो हम दुनिया की मुश्किलों में, एक कारोबारी निज़ाम में, नफसा नफसी के दौर में बहुत आगे निकल चुके थे, हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके खुशियाँ बांटें। तो दोस्तों, यही मेरा मैसेज है। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे दूसरों तक पहुँचाएँ, इनको बताएं कि ज़िंदगी बहुत कीमती है जो एक दफ़ा ही मिलती है। समझ लें कि आपको मुश्किलों से बचाकर घर रखा गया है, तो इस वक्त को कीमती समझकर गुजारें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।